That's good. हाँ तो मेरे भाइयों की हालचाल, आई विश आप सब बढ़िया होंगे। और फाइनल गाइस हमारा सीजन 19 आ चुका है, तो ऑब्वियसली आप सब लोग का रैंक पुश भी स्टार्ट हो चुका होगा और हमारा भी हो चुका है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक आपको आपके रैंक पुश के लिए, और जल्दी से जल्दी आप अपना कॉन्कर कर लो और हम भी ट्राई करेंगे फटाफट अपना कॉन्कर और देन लीडर बोर्ड। तो चलिए अब बात करते गाइस हम हमारे ये वाले गेम प्ले की, जो हमारा सीजन 19 का फर्स्ट गेम प्ले ऑन प्लैटिनम टायर। अब यहाँ पर गाइस एक बंदा था, हम यहाँ पर फैक्ट्री उतरे थे और इस बंदे ने गाइस मतलब फैक्ट्री से लेकर यहाँ तक ये जो कंपाउंड नहीं, यहाँ तक कि जितने भी गाड़ी हैं उनकी ये टायर फोड़ता हुआ रहा था। तो मैं इसका इतने टाइम से पीछा कर रहा था और इसे फिलहाल मैं नॉक देता हूँ और इस बंदे के पास में आता हूँ और जस्ट इससे मजाक मस्ती में पूछता हूँ कि लाइक भाई तू टायर क्यों फोड़ रहा था। और ऑब्वियसली इस बंदे ने हमें थोड़ी बहुत गालियाँ दी बिकॉज हमने इसे नॉक कर दिया और इसे हम फिनिश भी कर देंगे थोड़े टाइम बाद। और फिर आगे थोड़ी बातें करते हैं। अब वहां से गाइस हम लूट करके लाइक उस बंदे को मार के थोड़ा सा सोचते हैं कि प्लैटिनम टायर पे थोड़ा मारा भी लग जाए। तो हम आते हैं गाइस हमारे स्कूल अपार्टमेंट में। जैसे ऑब्वियसली आप सबको पता है कि अपार्टमेंट में आपको हमेशा रैंक पुश में बंदे मिलने वाले ही हैं। अब यहाँ पर आते गाइस मुझे उनका फुट का साउंड तो आ जाता है, लाइक यहाँ पर दो बंदे थे वो भी ऊपर थे। अब ये दोनों बंदे गाइस सेकंड फ्लोर पे राइट साइड के कंपाउंड पे आराम से होल्ड कर रहे थे, लाइक राइट साइड के रूम में। तो इन्होंने इतने में नेट भी किया और यहाँ पर मैं भी एक नेट ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लाइक ये लेफ्ट और राइट वाले रूम में होंगे। तो जैसे मैं राइट वाले रूम में एक नेट डालता हूँ कि इतने भी इस बंदे ने बाहर आके मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, तक से यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं अपना हेलकिट नहीं मारता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं हेलकिट यूज़ करूँगा तो उसके पॉपअप के साउंड से मुझे पुश कर देगा। यहाँ पर मैं एक फ्री नेट डाल देता हूँ और उसमें मैं अपना अपने आप को हील कर लेता हूँ। और जैसे मुझे हील कंप्लीट होता है तो मुझे सामने वाले रूम में एक बंदे का साउंड आ जाता है, लाइक एकदम स्ट्रेट ही। फिलहाल के लिए मैं एक और नेट कुक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा एक नेट डाल देता हूँ कि इतने में ये बंदा मुझे मारने के लिए बाहर आता है और ये नॉक हो जाता है। और इसका जो सेकंड बंदा था गाइस इसे मैं आराम से घुसता हूँ और इजिली मार दूंगा। तो इस डुओ को तो हमने एकदम इजिली मार लिया गाइस और फटाफट यहाँ पर हम अपनी लूट कम्प्लीट कर लेते हैं। अब वहाँ से गाइस उस डुओ को मार के उनकी लूट कम्प्लीट करके हम वापस अगेन बंदे ढूंढने निकल जाते हैं कि इतने में हमें जो रोजोक का हिल था वहाँ पर दो बंदे दिख जाते और इन बंदों का M249 वगैरह थी, तो इन्होंने हम पे फायर ले लिया था। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं गाड़ी कवर में रखता हूँ कि इतने में एक बंदा ऊपर में दिख जाता है, तो इसे मैं इजिली नॉक दे देता हूँ। अब उसका जो सेकंड बंदा गाइस वो भी हम पे फायर ले ही रहा था, तो उसने फिलहाल के लिए मेरे पार्टनर को नॉक कर दिया बट बैक फायर में मैंने उसे एकदम फिनिश कर दिया। तो ये डुओ को हमने एकदम इजिली मार लिया और फटाफट मैं अपने टीममेट को रिवाइव भी दे दूंगा यहाँ पर। अब वहाँ से गाइस हम टीममेट को रिवाइव देके और इन बंदों की पेटी लूट की, यहाँ पर मुझे M249 मिल जाती है कि इतने में हम जैसे कार के लिए यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर एक और डुओ का हम पे पुश आ चुका था। आई डोंट नो ये कहाँ से आए थे बट ये हमारे सामने वाले विलेज पे आ चुके थे। तो यहाँ पर मैं अपने टीम से कॉल देता हूँ कि लाइक ज़्यादा इन पे आगे जाना मत बिकॉज सामने वाले विलेज पे इनको अच्छा खासा ये मिल जाएगा एडवांटेज अगर हमने इन पे पुश किया तो। और इतने में इन बंदों ने हम पे नेट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था कि इतने में लेफ्ट साइड से मेरे टीममेट को कोई नॉक कर देता है, लाइक रोजोक के साइड से। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा कवर मिल चुका था, तो यहाँ पर मैंने रिवाइव देता हूँ।
आई डोंट नो इन बंदों को, आई थिंक यहाँ पर आइडिया आ गया कि लाइक एक बंदा नॉक हुआ है, तो इन बंदों ने हम पे पुश कर दिया फ्लर के लिए फटाफट। तो इसका जो पहला बंदा है इसको मैं M249 से इजी नॉक दूंगा, और सेकंड बंदा भी गाइस मुझे आईडी आ चुका था, डैमेज दे दिया था उससे मैंने M249 से, तो फटक से इस पर पुश करूंगा और इसे भी हम इजीली मार देंगे। और यहाँ पर मुझे एक और डुओ हिल एकदम इजीली मिल जाते कि इतने में मैं देखता हूँ कि लाइक हमारे जहाँ रिस्ट हमने स्टार्टिंग में होल्ड किया था वहाँ पर बंदे आ चुके हैं। जैसे ही गाइस मैं इससे थोड़ा सा स्प्रे लेता हूँ कि ये बंदा भी मुझे स्प्रे पे मारता है, और मुझे आई थिंक थोड़ा सा रेज रिलीज था कि इतने में इस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। तो यहाँ पर मैं टीममेट को कॉल देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम थोड़ा सा स्मोक कर दो ताकि लाइक उन बंदों का थोड़ा सा एम ब्लॉक हो जाए, या फिर अगर वो पुश करते तो उन्हें आइडिया ना आए। और फटक से यहाँ पर मैं इसे रिवाइव के लिए कॉल दे देता हूँ, और यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे रिवाइव मिल रहा था कि इतने में इन दो बंदों ने मुझ पर पुश कर दिया। बट हम इन दो बंदों का कैसे मारेंगे अभी आप देखना लाइक अपने रिवाइव की एचपी पे, कि पहले बंदे ने गाइस यहाँ पर हमारे टीममेट को मारना स्टार्ट किया, अगर उसने मुझ पर एक भी गोली मारी होती तो आई थिंक मैं नॉक हो जाता। अब यहाँ पर जो सेकंड बंदा आता है इसे हम जंप शॉट देके इजीली मार देंगे, और फटाफट यहाँ पर मैं कवर में अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। और यहाँ पर लकीली गाइस मैं क्या ही बचता हूँ, मतलब मैंने 10 HP पे मारा होगा। अब वहाँ से गाइस हम अपनी लूट पीट कंप्लीट करके हेल्थ करके यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर एक हमें कंपाउंड पे गाड़ी दिख जाती है, और ये बंदा हमारी गाड़ी से गाइस कुचल जाता है। लाइक मुझे इसका नॉक नहीं आता बिकॉज तब तक मैंने गाड़ी से लाइक एग्जिट कर लिया था, और जैसे इसके सेकंड बंदे ने भी हम पे पुश किया तो उसे भी हम एकदम इजिली मार देंगे। तो यहाँ पर गाइस लास्ट बचे थे 8 बंदे, और यहाँ पर हम आराम से होल्ड करते हैं लाइक बिकॉज जोन हम पे ही था तो मैं ज़्यादा कहीं जाता नहीं हूँ बिकॉज अच्छे खासे किल हो गए थे। कितने में यहाँ पर 2 बंदों का पुश आ चुका था, कि इतने में इस बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया, तो मैं फटक से गाइस ट्राई करता हूँ कि पहले हील कर लूँ। अब यहाँ पर इन बंदों को आइडिया आ चुका था लाइक मैंने डैमेज हूँ, तो इसमें एक बंदे ने अंदर आके पुश करने का ट्राई किया, तो फिलहाल उससे मैं नॉक कर दूंगा, और लाइक मैं यहीं पर आराम से होल्ड करता हूँ ताकि मैं ड्रोन से जैसे ही बंदा अंदर उसे मार दूँ। बट ये बंदा मुझे हेल्थ पॉप करने मतलब हेल्थ मारने का टाइम दे ही नहीं रहा था, ये बार बार पुश कर रहा था। कितने में इस बंदे ने एक हल्का सा अलग एंगल लिया तो मुझे इसके फुट के साउंड से आईडी आ चुका था, तो वहाँ पर मैंने प्री फायर मार के इसे भी एकदम इजी ले लिया, और फटाफट मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। अब वहाँ से हील करने के बाद गई यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर जाने देता हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे एक गाड़ी दिख चुकी थी, बट ये बंदा गाड़ी में ही बैठा हुआ था, तो इसे मैं थोड़ा सिंगल टैप मारने वाला था कि लाइक ये बंदा तब तक के लिए निकल जाता है। और इतने में यहाँ पर मुझे ओपन में एक बंदा दिख जाता है, तो इसे मैं स्प्रे लेता हूँ, बट ये बंदा नॉक नहीं होता है। और इतने में एक गाड़ी वाला मुझे नॉक भी दिख जाता है, तो इसे सिंगल टैप में मैं एकदम इजीली मार दूंगा, और यहाँ पर मुझे एक और अच्छा खासा किल भी मिल जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट 2 बंदे बचे थे जो रेज के अपर साइड में थे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इन पर पुश किया जाए, वरना ये एंड में हमें इस जोन में एंटर करने का मौका नहीं देंगे। अब यहाँ पर मुझे ये ट्री वगैरह के यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक ये यहाँ पर ही होंगे बिकॉज यहाँ पर इनकी व्हीकल थी, तो यहाँ पर मैं थोड़े नेट्स वगैरह ट्राई करता हूँ ताकि बंदा डैमेज हो या फिर मैं मुझे एक आधा नॉक निकल ही जाए। बट यहाँ पर मेरे नेट से आई थिंक उन्हें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा, लाइक कोई बंदा नॉक होता नहीं है गाइस। अब यहाँ पर मुझे एक बंदे के फुट का साउंड आता है, लाइक वो भागते हुए जो हमारी जो व्हीकल है वहाँ पे जाता है, तो मैं व्हीकल पे थोड़े नेट वगैरह डालता हूँ, और मेरे टीममेट को भी बोलता हूँ लाइक तुम कुछ करो ताकि एक आधा नॉक मिल जाए। बट इनमें से एक भी बंदा का इस नॉक होता नहीं, तो यहाँ पर मुझे जोन भी जाना था, तो मैं फटाफट स्मोक कर देता हूँ ताकि इनका एम ब्लॉक करता हूँ, और तुमसे क्लोज इन करने का ट्राई कर लेता हूँ। और जैसे कि इसमें स्मोक से यहाँ पर आता हूँ कि मुझे एक बंदा यहाँ पर ट्री पे दिख जाता है, तो फटाक से इस मैं कर दूंगा पुश, और इस बंदे को हम नॉक कर देंगे, और इसे मैं ऑन द स्पॉट फिनिश भी कर दूँ ताकि ये उस सामने वाले टीममेट मतलब कॉल ना दे पाए कि लाइक ये बंदा कहाँ पर है, कि इतने में जो मेरा टीममेट है गाइस उसे हमारा जो सामने वाला बंदा है वो नॉक करने वाला है, बिकॉज वो बंदा यहाँ से रोटेशन मार चुका था, और इस बंदे ने मुझ पर अच्छा खासा मॉली भी फेंक दिया। तो फिलहाल मैं फटक से गाड़ी के कवर में आता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे टीममेट को बंदा नॉक करता है, और वो उसे आई थिंक फिनिश करने का ट्राई करता है, बट इसे हम गाइस कैसे मारेंगे आप अभी देख लेना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय।